हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो रेसिपी है ना, बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी है। तो आज मैं इसको बनाने वाली हूँ। तो वैसे तो वो मार्केट में बनी बनाई मिल जाती है, लेकिन मैं इसको आज मैं घर पर ही मैं ट्राई कर रही हूँ और इसको मैं आज ना डिनर में खाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं आज क्या, आज की रेसिपी क्या है। तो ये देखिए, ये है। तो ये मैंने पूरा भेलपूरी का सामान तैयार करके रखा हुआ है, मतलब मैं मार्केट गई थी अभी लेके आई। ये मैं ये लिया है और इसमें 5 तरह की, देखिए, नमकीन है और ये चॉप्ड मैंने ऑनियन कर लिया है, एक टमाटर कर लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा चिली सॉस और ये टमाटो सॉस मिलाऊंगी। ये मैगी का है और ये टॉप्स का है, ये आपकी चॉइस है, आप जो भी मिलाना चाहें मिला सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी ना, ये सारा का सारा मैं इस बाउल में डाल लूँगी। तो ये देखिए, मैंने ये सारा बाउल में डाल लिया है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा टमाटो सॉस, बहुत ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा ही ग्रीन चिली वाला सॉस। ये तो निकल ही नहीं रहा है। चलिए मैं पहले इसको निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सॉस मिला दी है दोनों। अब मैं इसमें मिलाऊंगी एक हाफ नींबू, ये मैंने इसमें नींबू मिला दिया है। अब ये देखिए, मैं इसमें मिलाऊंगी चाट मसाला, और थोड़ी सी, ये देखिए, इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ी सी लाल मिर्च। मुझे चटपटा बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसमें अक्सर हर चीज़ में लाल मिर्च डाल ही देती हूँ। थोड़ी सी लाल मिर्च मिलाऊंगी, थोड़ा सा और ऐड करूँगी चाट मसाला। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, पहले इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो देखिए, ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब चलिए इसको ट्राई करते हैं, ये बना कैसा है। बहुत ही मस्त बना है। आप भी इस तरीके से बना करके देखिए इसको, आपको भी बहुत टेस्टी लगेगा। चलिए मैं तो जा रही हूँ इसको एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय।